ठीक <coughs> हाँ जी स्टूडेंट आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और न्यू टॉपिक टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक का नाम है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट न्यू चैप्टर नहीं है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस में अब तक हमने क्या क्या देख लिया था रेजिडेंशियल स्टेटस में अभी तक हमने एक पर्सन का वो रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यानी अगर मैं सिंपली बताऊं तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स है आपने इसको प्रूफ कर दिया कि ये आर ओ आर है या आपने मिस्टर एक्स को प्रूफ कर दिया कि ये एन ओ आर है या आपने मिस्टर एक्स को प्रूफ कर दिया कि एन आर है अब हमें अब क्या सीखना है कि ये कौन सी इनकम पे मतलब के इनकम अगर ये कमाते हैं तो इनका टोटल इनकम ऐसा कौन कौन सा है जिसके ऊपर टैक्स देना है क्योंकि कुछ ऐसे इनकम भी हैं अगर आप पैसे कमाते भी हो भारत में तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना ऐसा कौन सा इनकम है फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का इनकम की अगर मैं बात करूं तो ऐसा इनकम है जैसे एग्रीकल्चर इनकम से अगर आप पैसे कमाते हो इंडिया में तो कोई टैक्स नहीं देना होता पास्ट एंड टैक्स अंडटेक्सड इनकम अगर होता है तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होता तो अब हमें इनकी ना टोटल इनकम निकालनी है अब ये एक्स है वो कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकता है वही पाँच हेड से कमा सकता है आपका ये हो सकता है कि पी जी बी पी से कमा रहा हो सैलरी से कमा रहा हो या रेंट से पैसा आ रहा हो या कैपिटल गेन से पैसा आ रहा हो है ना तो हमें इसका एक तरीके से हमें बताना है कि टोटल इनकम क्या आएगा तो टोटल इनकम पहले जानने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि अब हर पर्सन का टोटल इनकम कैसे निकाला जाए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऑल दो मैंने पहले ही सारा पॉइंट्स लिख लिया है ताकि आसानी और जल्दी समझ में आ जाए सबसे पहला पॉइंट है हमारा अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है इनकम रिसीव और डीम्ड टू बी रिसीव्ड डीम्ड डीम्ड होगा ये ठीक है डीम्ड टू बी रिसीव्ड सबसे पहले इनकम रिसीव का मतलब क्या होता है कि आपने सीधा पैसा रिसीव किया जैसे आप जॉब करते हो तो ऑनर आपको सैलरी देता है तो वो रिसीव है और वो पैसा अगर आप अपने पेरेंट्स को जाते हो तो पेरेंट्स ने आपकी सैलरी रिसीव नहीं करी उन्होंने रेमिटेंस किया है ठीक है ना तो सीधा रिसीव हो जाए डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या होता है वो समझिए जैसे मान लीजिए आपका और इनकम टैक्स का कोई जैसे ये इंडिया है और इंडिया का इधर आपको मैंने बताया था कि बारह नोटिकल माइल तक वो इंडिया का हिस्सा है और सपोज़ करिए आप यहाँ पे आपने कोई पैसा कमाया है इस एरिए में आप बोलते हो कि भाई ये हमने पैसा इंडिया के बाहर कमाया है और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आपने भारत में कमाया तो दोनों में लड़ाई होगी तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई ये भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं कि ये भारत का हिस्सा है और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया में ही हुआ है और आपको इस पे टैक्स देना होगा अगर आपको इतराज़ है तो आप केस कर सकते हैं उसके बाद जितनी लंबी केस चलती रहेगी फ़ैसला किसके फेवर में होता है वो तो बाद की बात है तो डीम्ड का मतलब है कि जब इनकम टैक्स का बस नहीं चलता ना कि अब आपसे टैक्स कैसे ले तो बोल देते हैं हम मान लेते हैं कि आपसे टैक्स लिया जाएगा उसे बोलेंगे डीम टू बी रिसीव तो अगर आपका इनकम रिसीव करते हो या डीम टू बी रिसीव है अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप सभी को टैक्स देना पड़ेगा चाहे आपका स्टेटस आर ओ आर हो चाहे आपका स्टेटस एन ओ आर हो चाहे आपका स्टेटस एन आर हो अगर पैसा भारत में रिसीव्ड होगा तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा हर एक सिचुएशन में पहले पॉइंट को देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मैंने क्या लिखा है इनकम एक्रू या अराई इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनकम का सोर्स सोर्स इन इंडिया हो अगर सोर्स इंडिया में यानी भारत की ज़मीन पे अगर आप पैसे कमाते हो इंडिया की जमीन पे पैसे कमाते हो तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा मान लो आप यहाँ पैसे कमाओ तब भी टैक्स देना है 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 भले ही आप कहीं और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में रहो आप यहाँ से रिसीव कर रहे हो लेकिन कमाई तो इंडिया से कर रहे हो तब भी टैक्स देना होगा तो अगर भारत से आप पैसे कमाओगे तब भी टैक्स देना होगा यस यस और यस ठीक है कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है और बिजनेस मान लेते हैं कि यहां पे बहुत सारे कंपनी जैसे की एफ सी इंडिया की कंपनी नहीं है लेकिन वो कमाई कहां से कर रही है इंडिया से पैसे सारे बाहर चले जाते हैं उसके आईफोन इंडिया की कंपनी नहीं है कमाई कहां कर रही है भारत से पैसे सारे वो बाहर ले जाते हैं फिर भी क्योंकि भारत की जमीन से पैसे कमा रहे हैं तो उसे पहले इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा इ रेस्पेक्टिव ऑफ उसका स्टेटस क्या है उसका स्टेटस चाहे एन हो चाहे एन हो चाहे आर हो उसको टैक्स देना ही देना होगा हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा अगला पॉइंट देखो मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला है बिजनेस इन इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बिजनेस इंडिया में है लेकिन उसका कंट्रोल उसे चलाए पता है कि जब बोलते हैं ना फॉरेन कंपनी है हम जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस कहाँ है इंडिया में इंडिया में जॉब कर रहे हो फॉरेन कंपनी लेकिन इसके सारे इंस्ट्रक्शन और चलाए कहाँ से जा रहा है इंडिया के बाहर से तो पैसे कहाँ कमाए जा रहे हैं ये बताइए पैसे कमाने की अगर बात करें तो बिजनेस इंडिया में है तो इंडिया के ज़मीन से कमाए जा रहे हैं आप कंट्रोल जहाँ मर्जी से करिए भाई तो एक तरीके से देखा जाए तो पॉइंट नंबर दो को ही मैंने अलग लैंग्वेज में करके लिख दिया पॉइंट नंबर थ्री तो इस सिचुएशन में भी कौन टैक्स देगा तीनों को टैक्स देना पड़ेगा हम क्या करेंगे इस तरीके से तीनों की इनकम को डिटरमाइन कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट नंबर फोर देखिए इनकम आउट बिजनेस आउटसाइड इंडिया है अब बिजनेस जो है ना हमारा आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल जो है ना फ्रॉम इंडिया है ये थोड़ा सा उल्टा हो गया पॉइंट नंबर थ्री से उल्टा हो गया पॉइंट नंबर फोर मान लो मेरा एक ब्रांच है और मैंने अमेरिका में एक ब्रांच खोला हुआ है लेकिन उसको मैं कंट्रोल यहाँ से करता हूँ क्वेश्चन रेज होता है सर कंट्रोल का मतलब क्या है मैं सारे डिसीज़न भारत से ही लेता हूं कि कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होने किस प्रोडक्ट को डिसकन्टीन्यू करने है, भारत से इंस्ट्रक्शन आता है तो इनका आपका बिजनेस कहाँ है आउटसाइड इंडिया लेकिन कंट्रोल कहाँ से इंडिया अगर ऐसा सिचुएशन मिले ना तो इस सिचुएशन में एक तो आर टैक्स देगा और एक एन टैक्स देगा और बाकी जो एन है वो टैक्स नहीं देगा एनआर जो है वो टैक्स नहीं देगा समझिए बात को क्लियर है सबसे पहला पॉइंट क्या था फिर से बताओ कि अगर इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में तो तीनों ही टैक्स देंगे अगर इनकम इंडिया के ज़मीन से कमाओगे तो तीनों ही टैक्स देंगे और ये दोनों पॉइंट लगभग ये एक ही है क्यों सर एक है ये तो अलग अलग लग रहा है क्योंकि बिजनेस कहाँ है इंडिया में और यहाँ मैं बोल रहा हूँ सोर्स कहाँ होना चाहिए इंडिया में इसलिए मैंने इसको एक बोला ये पॉइंट अलग है कि हमारा बिजनेस कहीं और है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो अगर आपका स्टेटस आर ओ आर है तभी आपको टैक्स देना है और एन ओ आर हुआ आपका स्टेटस तो नहीं देना और एनआर के केस में तो सॉरी एन ओ आर हुआ तब भी देना है और एनआर के केस में नहीं देना अगला है इनकम रेमिटेड टू इंडिया इनकम रेमिटेड टू इंडिया मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था मान लो मैं जॉब करता हूँ रिलायंस कंपनी में तो मुझे क्या मिला सैलरी मिला सैलरी जो मुझे मिलेगा वो रिसीव है इसके बाद ये सैलरी मैंने अपने पेरेंट्स को दे दिया तो मेरे पेरेंट्स ने क्या करा रेमिटेंस किया है तो सेम ऐसे फॉरेन में भी होता है फॉरेन में हम इनकम कमाते हैं और अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं तो मेरे पेरेंट्स को जब पैसा भेजा जाता है तो पेरेंट्स के हैंड में क्या आता है रेमिटेंस माना जाता है ठीक है ना पेरेंट्स के हैंड में रेमिटेंस माना जाता है तो अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है कि इनकम रेमिटेंस हो रहा है तो उस सिचुएशन में सिर्फ इसको टैक्स देना है इसको टैक्स नहीं देना अब एक क्वेश्चन होता है सर उसके तो फॉरेन में भी टैक्स लगा होगा हाँ तो डबल टैक्सेशन डीटी जो है उसका गवर्नमेंट का इंडिया गवर्नमेंट और बाहर के कई सारे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन है कि अगर वो टैक्स ले लेंगे तो भारत गवर्नमेंट नहीं लेगी वो एक अलग बात है वो एक अलग सिनेरियो है ठीक है ना तो मैं बता रहा था इनकम रेमिटेड टू इंडिया रेमिटेड का मतलब क्या होता है पैसे पहले आपने रिसीव करें उसके बाद आपने किसी को दिया तो इनकम रेमिटेड टू इंडिया है इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया ये बड़ा पेचीदा पॉइंट और बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट है आप यूएस में रहते हो परमानेंट मान लेते हैं सुनीता विलियम्स है सुनीता विलियम्स कौन है साइंटिस्ट है या सुंदर पिचाई है वो कहाँ रहता है अमेरिका ही रहता है पैसे कहाँ रिसीव करता है अमेरिका कमाता कहाँ है अमेरिका सब कुछ अमेरिका लेकिन मान लो वो इंडिया का है तो कभी ना कभी घूमने आ जाता है और घूमने आने के साथ ही अगर उसने अपना स्टेटस आर ओ आर बना लिया तो जितना पैसा उसने अमेरिका में कमाया है सबसे गवर्नमेंट ले लेगी यानी अगर आपकी इनकम बाहर है रिसीव भी बाहर है अगर आपका स्टेटस आर ओ आर है तो तो आप बच ही नहीं सकते आर आरआर केस में भारत नहीं छोड़ेगी बोलेंगे भाई आप इंडिया के अंदर बहुत बार आते जाते रहते हो तो आप भारतीय ही हो और आप सिर्फ ये टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे ही लेंगे लेकिन आप एनओआर हो तो इस केस में नो 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 ठीक है क्लियर है यहां तक क्लियर है आपका इनकम भी कहां था बाहर था रिसीव भी कहां था बाहर था तो कौन टैक्स देगा सिर्फ और सिर्फ देगा एन ओ आर ओ आर एन ओ आर और एन आर नहीं देगा सेम इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट बताया एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया का मतलब पता ही क्या एग्रीकल्चर इनकम है आप नेपाल में हो सपोज करो और नेपाल में आप खेती करते हो और पैसे कमाते हो और वहीं सब कुछ कर रहे हो लेकिन अगर आपका स्टेटस आर ओ आर हो गया ना तो ऐसे सिचुएशन में आपको टैक्स देना होगा और इन दोनों केसेस में टैक्स नहीं देना होगा सिंपल सी बात है तो देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गया ना सर इनकम कमाया बाहर और रिसीव भी किया बाहर तो दोनों पॉइंट एक ही हो गया लेकिन पॉइंट अलग अलग आने के बाद भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया समझ रहे हो बात को इसलिए मैंने इस पॉइंट को बनाया है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए सातों पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं अगर इनकम रिसीव होगा इंडिया में और तो फिर कौन टैक्स देगा तीनों को देना है टैक्स अगर इंडिया की जमीन से पैसे कमाओगे तो तीनों को देना है अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल कहीं भी हो रहा है तीनों को देना है बिजनेस बाहर है कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो दो को देना है एनओ ओ और एनओ अगर हमारा रेमिटेड है इंडिया में तो फिर एक को देना है अगर हमारा इनकम कमाया बाहर गया और रिसीव भी बाहर हुआ तो किसको देना है सिर्फ एक को देना है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया अब आप मैं आपको बताऊं किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है भारत के अंदर और ऐसा बोला जाता है कि जो किसान है उसके अंदर वो इनकम जो भी कमाएगा उससे हम टैक्स नहीं लेंगे इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो भी किसान कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है स्टेट को और स्टेट ने बोला कि हम टैक्स तो नहीं लेंगे भारतीय किसानों से तो अगर आप किसान एग्रीकल्चर खेती करते हो और आपकी कमाई हो जाती है भारत के अंदर और भारत में ही जमीन है आपकी खेती के तो आपका स्टेटस कुछ भी हो आपको टैक्स नहीं देना आपने टैक्स नहीं देना तो इसलिए देखो मैंने नो 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 लिख दिया लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को देखो एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया तो बाहर अगर आप खेती करते हो बाहर अगर आप किसान हो तो तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है अगले पॉइंट पे चलते हैं डिविडेंट इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी आपका स्टेटस कुछ भी हो इंडियन कंपनी से लोगे अगर डिविडेंट तो जी हां आपको टैक्स देना होगा क्योंकि पैसा कहां से कमाया जा रहा है इंडिया की कंपनी से ऐसे ही मैंने बोला कि आप रहते हो यूएस में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवा लिया तो ब्याज तो मिलेगा अब आप ब्याज ले रहे हो यूएस में तो बताओ कौन टैक्स देगा पैसा कहाँ कमाया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में है तो कमाए कहाँ से जा रहा है भारत से तीनों टैक्स देंगे मान लो आप रिटायर हो गए और चले गए कनाडा और कनाडा जाने के बाद वहाँ पे आपको पेंशन रिसीव हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट से तो आप बताइए पेंशन इनकम कमाया कहाँ से जा रहा है भारत से कौन टैक्स देगा फटाफट बताइए कौन टैक्स देगा तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा सेम ऐसे इंडियन कंपनी से डिविडेंट हो डिविडेंट के अलावा मैं कुछ और पॉइंट भी लिख देता हूँ अगर इंटरेस्ट भी हो ना तो भी तीनों ही टैक्स देंगे चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये वाला पॉइंट कुछ यही नहीं बन गया सेकेंड और थर्ड जैसा ही बन गया क्योंकि इंडिया की जमीन से पैसा कमाया जा रहा है डिविडेंड इनकम फॉरन फॉरन के केस में सिर्फ इसको टैक्स देना है लेकिन मैं पूरी बात सुनिए अगर आप यूएस में रहते हो और यूएस में रहने के बाद आप डिविडेंट वहीं रिसीव करते हो और वहीं खर्च करते हो तब आपका स्टेटस अगर आर ओ आर हुआ तो आपको देना है लेकिन आप डिविडेंट आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर लगा रखा है और रिसीव इंडिया में कर रहे हो डिडेंट तब कौन सा पॉइंट लग जाएगा इस पॉइंट जगह रिसीव फर्स्ट वाला पॉइंट लग जाएगा तो उस सिचुएशन में आप तीनों को ही टैक्स देना होगा ध्यान रहे मैंने यस यहाँ पे इसलिए लगाया इस पे डैश डाल दिया है कि ये भी हो सकता है अगर आप इंडिया में रिसीव करोगे ना डिविडेंट तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन मेरा एजम्पन क्या है कि डिविडेंड कहा रिसीव हो रहा है बाहर कंपनी कहाँ की है बाहर की तो किसको टैक्स देना होगा सिर्फ और सिर्फ किसको आर ओ आर को टैक्स देना पड़ेगा चलिए इसके बाद देखते हैं गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव रिलेटिव कौन होते हैं रिश्तेदार चाचा चाची जो भी आपके पेरेंट्स है कोई भी तो गिफ्ट किसी से भी मिले तो गवर्नमेंट कहती है गिफ्ट है तो कोई बात नहीं लेने दो कोई टैक्स नहीं लेंगे रिश्तेदार से लेकिन अगर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अदर्स हो गया कोई रिश्तेदार नहीं है तो दोस्त ने दे दिया किसी और ने दे दिया तो ध्यान रहे कि अप टू फिफ्टी थाउजेंड यानी अगर आपको गिफ्ट उनचास हजार मिलता है तो कोई टैक्स नहीं देना और आपको गिफ्ट इक्यावन हजार मिलता है तो कितना टैक्स देना है कितना पूरे इक्यावन हजार रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा कितने रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा आपको पूरे फिफ्टी वन थाउजेंड पे तो आपके दोस्त ने दे दिया या किसी भी ओकेशन पे देता है आपको कोई भी फ्रेंड आपको गिफ्ट देता है तो ऐसे सिचुएशन में सावधान रहना पचास हज़ार से अगर ऊपर और पचास हज़ार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है टोटल है वो मान लो चार दोस्तों ने अगर पच्चीस पच्चीस हज़ार गिफ्ट दिया तो एक लाख हो गया पूरा का पूरा एक लाख टैक्सेबल माना जाएगा इस बात का ध्यान रखना तो पचास तक तो एग्जेम्ट है मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको गिफ्ट मिला है पचास से कम का गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अगर मैरिज पे आप गिफ्ट लेते हो तो भाई कोई भी दे दे टैक्स नहीं लगेगा कोई भी दे दे टैक्स नहीं लगेगा कोई भी दे दे टैक्स नहीं लगने वाला इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है ना पास्ट इनकम पास इनकम क्या होता है कि पहले कभी मेरी इनकम पे सरकार ने टैक्स लगाया ही नहीं था तो उसे बोलेंगे पास्ट अन टैक्स इनकम फॉरन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो अगर कोई भी ऐसा इनकम मिलता है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना है नहीं देना है अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूँ कि गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अदर्स यानी मैंने अपने दोस्त से पचपन हजार रुपए का गिफ्ट लिया है तो बताइए अगर मेरा आर ओ आर स्टेटस है तो मैं टैक्स दूंगा ही नहीं दूंगा बिल्कुल देना पड़ेगा पचपन यानी पूरे पचपन पे ही देना पड़ेगा फिर सब में यस यस आ जाएगा क्लियर तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है फिर सिंपल आपने क्या करना है सिंपली आपको इसको बस टोटल करना है सिंपली आपको इसको टोटल करना है बस और नथिंग और इसको टोटल किया और यहां लिख देना आपको ग्रॉस टोटल इनकम ठीक है ग्रॉस टोटल इनकम कुछ हम सिंपल से इससे क्वेश्चन करेंगे फटाफट नोट करिए फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट नोट करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है तीनों का स्टेटस बताना है हमें क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम अर्न बाय मिस्टर जेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिटरमाइन द इनकम असेसमेंट ईयर इक्कीस बाईस ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एन ओ आर है ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एन ओ आर और इसके कुछ इनकम दे दिए हैं तो मैं वैसे इस क्वेश्चन में मैं तीनों के निकाल के दिखा देता हूँ ठीक है ना तीनों के निकाल देता हूँ एन ओ आर वाले में सिर्फ एन ओ आर वाले आप एग्जाम में निकालिएगा बस इस बात का ध्यान रखना है ठीक है ना मैं तीनों का निकाल देता हूँ पहला बोलता है प्रॉफिट बिजनेस इन डेली मैनेज फ्रॉम लंडन बताइए क्या होगा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस कहाँ है इन डेली और मैनेज कहाँ से हो रहा है लंडन से तो पैसे कहाँ से कमाए जा रहा है इंडिया की जमीन से पैसे कमाए जा रहा है तो आ, मैं तीनों के लिए निकाल रहा हूं अगर इंडिया की जमीन से कमा रहा है तो स्टेटस वट कुछ भी हो सबको टैक्स देना पड़ेगा है ना अभी सीखा है हमने अगला पॉइंट कहता है पेंशन रिसीव रेंडेड इन इंडिया बट रिसीव इन लंडन पेंशन पेंशन फ्रॉम इंडिया तो कमाए कहाँ जा रहा है ये ध्यान दो आप पेंशन है इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया में से कमा रहे हो अगर गवर्नमेंट तो नहीं है खैर इंडिया से कमा रहे हो लेकिन रिसीव लंडन में कर रहे हो तो इसका मतलब ज़मीन तो इंडिया की ही है तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा चाहे आपका स्टेटस वाट हो तो पेंशन है जी हमारा दो लाख ठीक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंडन रिसीव देयर यानी आपका इनकम हुआ फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन लंडन से और रिसीव भी वहीं हो रहा है तो भाई अगर आप आर ओ आर हो तो आपको तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा लेकिन अगर आप बाकी केस में नहीं दोगे टैक्स वही कॉन्सेप्ट आ गया ना पैसे रिसीव किए बाहर और कमाए भी बाहर तो सिर्फ एक को टैक्स देना है अगला पॉइंट कहता है इनकम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर लेटर ब्रॉट इन टू इंडिया बाद में से इंडिया में लाया गया तो बाद में लाया गया तो भाई रेमिटेंस हो गया तो एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम कितने का है जी ये है हमारा तीन लाख रुपए का तो अगर आप आर ओ आर हो तो आपको टैक्स देना है बाकी केसेस में नहीं देना है क्योंकि पैसे फिर से कमाए कहाँ गए बाहर और रिसीव भी कहाँ किए गए बाहर रेमिटेंस इंडिया में रेमिटेंस के केस में भी एक को ही टैक्स देना होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पैरिस बच कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इनकम आपने कमाया फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस बट कंट्रोल कहाँ से है इंडिया से तो भाई दो को टैक्स देना है याद है ना पॉइंट आपको अगर बाहर बिजनेस है इंडिया से कंट्रोल कर रहा है तो दो को टैक्स देना है ये लो जी आपसे तो पूछा गया था सिर्फ एनआर का जो कि इनकम मतलब पाँच तो सात और ये चार लाख है पाँच दो सात और चार ग्यारह लाख बाकी अगर हमसे आर ओ आर पूछता तो भी बता देते ग्यारह में आठ और जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा उन्नीस लाख और अगर हमसे पूछता है एनआर का तो हम बता देते जी हमारी इनकम सात लाख बस जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर साथ में क्वेश्चन डिस्प्ले तो होगा ही होगा आपके तो फटाफट मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बीस इक्कीस बीस इक्कीस के अंदर मिस्टर एस है ही हैड द फॉलोइंग इनकम कुछ इनकम है आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम और फॉर मिस्टर एस फॉर असेसमेंट ईयर इक्कीस बाईस तो पता है अब क्या लिखेंगे नीचे लिख देंगे फॉर असेसमेंट ईयर दो हज़ार इक्कीस एंड बाईस और टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस मिस्टर है मिसेस है मिस्टर एस है ठीक है ना अब कुछ इनकम कहता है और तीनों में बताना है अगर आर ओ आर है तब भी बताइए एन ओ आर है तब भी बताइए एन आर है तब भी बताइए हम आर ओ आर की अगर बात करें कहता है सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडेड इन अमेरिका कहता है सैलरी इनकम इंडिया में रिसीव हुआ लेकिन मैंने सर्विस अमेरिका में दिया था मान लो अमेरिका का कोई कंप्यूटर ठीक किया होगा ऑनलाइन और पैसे इंडिया में रिसीव हो गए तो पॉइंट नंबर कौन सा लग गया फर्स्ट रिसीव इंडिया में हो रहा है तो सैलरी इनकम कौन टैक्स देगा बताओ रिसीव इन इंडिया ऐसे सिचुएशन में कौन टैक्स देगा इस सिचुएशन के अंदर जो टैक्स देगा वो देगा तीनों तो इनकम है थ्री नाइनटी तीनों को ही टैक्स देने पड़ेंगे इसके बाद आगे कहता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव जर्मनी इनकम पता है कहाँ से कमाया गया प्रोफेशन क्या होता है एडवोकेट डॉक्टर प्रोफेशन इन इंडिया अगर इन इंडिया बोल दिया तो जमीन इंडिया की आ गई तो आप तो कोई बच ही नहीं सकता आपका स्टेटस वट हो सबको टैक्स देना पड़ेगा थ्री 360. सिक्सटी इसके बाद प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा आउट ऑफ विच 240 फोर्टी टू इंडिया प्रॉपर्टी इनकम किससे लिया हमने युगांडा से 240 इंडिया में कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब युगांडा भारत में भारत से बाहर है ये चेक करो आप करिए चेक तो ये है इंडिया से बाहर अगर दो लाख पचास हजार इंडिया में रिसीव होता ना तो दो पचास तीनों पे टैक्सेबल कर देता मैं लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ रेमिटेड हुआ तो ऐसे सिचुएशन में सब कुछ रिसीव वगैरह वहाँ हो गया तो सिर्फ अगर आपका स्टेटस आर ओ आर है तभी आपको टैक्स देना होगा अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कहता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इनकम बांग्लादेश बांग्लादेश से आपने प्रॉफिट कमाया है कितने रुपए कमाए जी डेढ़ लाख अर्न फ्रॉम बिजनेस बांग्लादेश अब यहां पे दो सिचुएशन बनता है कि आपने सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूं बैंगलोर है भाई बैंगलोर बैंगलोर से तो बेंगलोर कहाँ है भारत में ही है इंडिया के जमीन से ही कमाया है तो कौन देगा टैक्स भाई तीनों देंगे टैक्स अगर इंडिया के जमीन से ही पैसा कमाया है तो पॉइंट नंबर लग गया टू और उसके इसमें तीनों ही देंगे टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इन पोर्टलैंड एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पोलैंड पोर्टलैंड बाहर है इंडिया से पोर्टलैंड पोलैंड है पोलैंड तो ऐसे सिचुएशन में रिसीव भी मानो वहीं पे होगा 160 है तो अगर आपका स्टेटस आर ओ आर होता है तब आपको टैक्स देना अदरवाइज नहीं देना मैंने कहा था ना पैसे बाहर ही कमाए जाए नेपाल वाला एग्जाम्पल लिया था और रिसीव भी बाहर हो तो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट फ्रॉम बिज़नेस कैरीड इन नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ओ हो प्रॉफिट हुआ हमें बिज़नेस कहाँ है फ्रॉम नेपाल लेकिन कंट्रोल कहाँ से है फ्राम इंडिया अब बताइए बिजनेस बाहर इंडिया से कंट्रोल तो दो को देना पड़ेगा टैक्स दो लाख बीस हजार और दो लाख बीस हज़ार बस निकाल लीजिए आप ग्रॉस इसके लिए ना टेबल आपको याद मतलब रिमाइंड होना बहुत ज़रूरी है इनकम की बात करें तो क्या आ गया सत्रह लाख अस्सी हज़ार और क्या आ गया ग्यारह लाख बीस हजार और क्या आ गया नौ लाख ये हो गई हमारी इनकम बताइए कोई डाउट तो रेजिडेंशियल स्टेटस के हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए इसके बाद देखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट करेंगे देखिए फटाफट नोट करिए इसको कर लिया नोट हाँ जी न्यू टॉपिक है हमने रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का देख लिया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके इनकम को भी देख लिया था अब रेजिडेंशियल स्टेटस एच का कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें देखना है ठीक है ना रेजिडेंशियल स्टेटस अगर एच की देखना है कि कैसे कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल का तो देख लिया था बेसिक और एडिशनल के नाम से अब यहां पे देखते हैं एच यू एफ का कैसे होगा यहां भी दो कंडीशन है इनकम वगैरह नहीं है यहां पे इनकम वगैरह नहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है थियोरिटिकल जो लिखा हुआ है सिंपल सिंपल देखिए अगर आपने एच यू एफ है और एच यू एफ मेनली बिजनेस ही रहता है एच यू एफ अगर आपने कोई भी मेजर डिसीजन मेजर डिसीजन की अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी फैसला कोई भी फ़ैसला और कोई भी मेजर डिसीज़न आपने अगर इंडिया के अंदर लिया है तब तो आप रेजिडेंट हो गए अगर आपने डिसीज़न इंडिया के बाहर लिया है तो आप नॉन रेजिडेंट हो गए यहाँ पे ये देखना है वो वाला पॉइंट नहीं आएगा 180 दिन पे 182 डेज या 63 60 इंडियन ओरिजिन वो सब पॉइंट्स नहीं आएंगे यहाँ एच यू एफ ओन होता कौन सा है एच यू एफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इसका एक फैमिली बिजनेस होता है उसमें से एक मुखिया होता है जो काम करता है और एच यू एफ में जो भी मुखिया होता है उसको पता है क्या बोलेंगे करता करता बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे उसे करता तो भाई अगर आपने सारे मेन डिसीजन यानी मेन मैनेजमेंट 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 एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया चाहे फुल्ली हो चाहे पार्सली हो फ्रॉम इंडिया से है तो जी आपका स्टेटस होगा आर रेजिडेंट हो आप लेकिन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फुल्ली मेजर डिसीजन्स अगर भारत के बाहर से लिए जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपका हो जाएगा नोन रेजिडेंस पहले तो ये देखिए यानी आपके स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए डिपेंड करता है किस पे आपके मैनेजमेंट पे कंट्रोल पे अगर इंडिया से कंट्रोल होता है तो रेजिडेंट हो और इंडिया के बाहर से कंट्रोल होगा तो क्या हो गए नॉन रेजिडेंट दिन का कोई चक्कर नहीं है हां साथ के साथ अब एडिशनल कंडीशन आपको पूरा करना होगा कंडीशन अब सर एडिशनल कंडीशन कैसे पूरा करें समझ लीजिए मान लेते हैं ए है बी है और सी है अब इसमें से करता जो है ना वो ए है ये सब नहीं है तो एडिशनल कंडीशन की जिम्मेदारी सिर्फ कर्ता की बनती है बाकी लोगों की नहीं बनती बाकी लोगों का क्या स्टेटस उससे कोई लेना देना नहीं है एडिशनल कंडीशन की जिम्मेदारी किसकी है कर्ता की और एडिशनल कंडीशन क्या रहेगा सेम इसको टू टाइम रेजिडेंट होना पड़ेगा इन लास्ट लास्ट टेन ईयर दो बार रेजिडेंट होना पड़ेगा लास्ट टेन ईयर में और सर और इसको सेवन थर्टी डेज इन लास्ट यानी इमिडिएटली प्रिसीडिंग ईयर लास्ट सेवन ईयर कंप्लीट करना होगा अगर उसने कंप्लीट कर दिया तो उसका रेजिडेंस होगा यहाँ पे क्या क्या एन ओ आर या फिर एन आर ओ आर या फिर एन आर तीन स्टेटस होगा अगर उसने ये वाला भी कंप्लीट किया और साथ के साथ ये भी किया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा ये कर लिया ये नहीं कर पाया या कोई भी इसमें से एक कर पाता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये ही कम्प्लीट नहीं किया उसने तो दूसरा चेक ही नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा नॉन रेजिडेंट इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई आपको ध्यान नहीं देना सिंपल सा इसमें से पॉइंट पूछा जाता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करिए कि एच का कैसे निकालेंगे और टेन ईयर में मैंने थ्योरी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर आप उसको रीड आउट करें फिर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है ना अब एक बार इसको फटाफट से नोट करिए आप Done. अगेन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब जो हम निकालेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस किसकी निकालेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे कंपनी की याद रखना किसके निकालना है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का इंडिविजुअल का सीख चुके हैं एच का भी देख लिया था हमने अब कंपनी का कंपनी के अंदर या तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आर होगा रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो गए दो ही होता ही है ये बड़ा है सिंपल है ये थ्योरी आएगा इसमें से नॉन रेजिडेंट सर आप रेजिडेंट कब हो गए अगर आपका जो मेन पर्सन है कंपनी के अंदर पता है मेन पर्सन कौन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ या चेयरमैन कह लो आप ठीक है यानी मेन पर्सन इसको की मैनेजरियल पर्सन भी बोला जाता है और भी हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट इसको बोला जाता है की मैनेजरियल पर्सन अगर ये पूरा का पूरा डिसीजन अगर इंडिया में लेते हैं कंपनी कहीं की भी हो हमें नहीं मतलब अगर सारे के सारा कंट्रोल और सारा डिसीज़न इंडिया के अंदर होता है फुल डिसीजन इंडिया के अंदर होता है तो आप रेजिडेंट हो अगर आपका फुल डिसीजन इंडिया में नहीं होता तो नॉन रेजिडेंट हो यानी अगर आपका सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और जितने भी आपके पॉइंट ऑफ अगर कहा जाए तो आ, जैसे इसमें कहते हैं हम अगर नॉन रेजिडेंट की मैं बात करूं तो जो आपके मीटिंग वगैरह है उसके जो प्लेस पॉइंट ऑफ प्लेस है जो वो अगर इंडिया ही है आपका तब रेजिडेंट हो पॉइंट ऑफ प्लेस है मेन हाँ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ बाकी थ्योरी में सारी चीज़ें मैंसन है आपको लिखना वैसे ही है ये तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ ताकि थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए नॉन रेजिडेंट के अब कब होगा जब इनके बी कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सी ई कुछ एग्ज़ाम्पल लिए हैं ये है की मैनेजरियर पर्सन और ये कंट्रोल और फुल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे याद रखना फुल पार्टली लेगा तब भी नॉन रेजिडेंट हो जाए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल या पार्टली आउटसाइड इंडिया या पूरा या थोड़ा सा भी अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो हम आपकी कंपनी को एक स्टेटस देने वाले हैं जो कि है नॉन रेजिडेंट सर इससे क्या नुकसान होगा जितने भी फॉरेन कंपनी है उनका टैक्स रेट ज़्यादा होता है 40 परसेंट तक उनका टैक्स रेट जाता है ठीक है ना तो आप कंपनी का स्टेटस बड़ा ही आसानी से बता सकते हो कि भाई कंपनी के सारे मैनेजमेंट एंड डिसीज़न अगर इंडिया में हो रहे हैं तो वो रेजिडेंट है और अगर इसका मैनेजमेंट और डिसीजन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो क्या माना जाएगा नॉन रेजिडेंट सिंपल जल्दी जल्दी नोट करिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है वो देख लेते हैं नोट करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड है ऑल डिसीज़न रिगार्डिंग द अफेयर्स इज बिजनेस टेकन इन इंडिया हाउएवर द फ्यू डिसीज़न लाइक आपका फ्लेक्सेशन मैनेजमेंट रेमोनेशन, अपॉइंटमेंट सी टेकन इन द लंडन तो एक कंपनी है अब इसमें बताना है आपको पॉइंट नंबर वन है कि एक कंपनी है जिसके सारे डिसीज़न कहाँ लिए जा रहे हैं लंदन में मतलब कुछ सारे डिसीज़न इंडिया में हैं कुछ डिसीज़न जो है इंडिया में नहीं लिए जा रहे मैंने बोला था सारे डिसीजन इंडिया में होंगे तभी रेजिडेंट होगा कोई भी कंपनी इसके आंसर को अगर आप रीड आउट कर तो मैं कर देता हूं द स्टेटस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉरन कंपनी शेल बी नॉन रेजिडेंट पता चल गया ना नॉन रेजिडेंट क्योंकि उसने सीईओ को अपॉइंट कहां पे कर लिया था लंडन से कर लिया था इसलिए नॉन रेजिडेंट हो गया थ्रू ऑल ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द बिजनेस टेकन इन इंडिया बट द फ्यू डिसीजन टेकन इन द लंडन कुछ डिसीजन इंडिया लंडन में लिए गए इसलिए नहीं है इनकेस ऑफ फॉरन कंपनी इवन द आपका साइट लाइट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन एक्सरसाइज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इट वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट सिंपल सी बात है क्लियर है ये तो इसका पहले वाले पॉइंट का आंसर होगा नॉन रेजिडेंट पॉइंट नंबर टू देखते हैं एच यू एफ के बारे में बताना है एच यू एफ के बारे में कहता है वाई एच यू एफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होल करता वाई इज अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजन वाई जो है वो इंडियन ओरिजन है वाई हैज विजिट इंडिया हंड्रेड डेज़ पर ईयर दो हज़ार ग्यारह से द फैमिली बिजनेस कंट्रोल एंड टर्म प्रोफेशनल इंडिया बट गाइडेंस ऑफ वाई तो वाई करता है वो इंडिया के अंदर रहता है और वाई इंडिया में नहीं रहता वो हर साल सौ दिन के लिए आता है कहता है एक वाई है वो हर साल हंड्रेड डेज के लिए आता है। और ये इंडियन ऑरिजन है भाई मज़े की बात तो देखो ये इंडियन ओरिजन है और इस बिज़नेस का एच यू एफ का जो बिजनेस है उसका सारा डिसीजन जो लिया जाता है वो इंडिया में लिया जाता है तो मैंने बताया था अगर आपका इंडिया में डिसीजन लिया जा रहा है तो आप तो हो गए आर रेजिडेंट लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पिछले 10 सालों में 20 सालों में एडिशनल कंडीशन और चूंकि ये इंडियन ऑरिजन है तो पिछले 10 सालों में सात सात सालों में 730 दिन भी पूरा नहीं कर रहा और 182 डेज़ वाला इस पर कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी नहीं कर रहा तो ये तो कंप्लीट ही नहीं कर पाया है ना एडिशनल कंडीशन इसका स्टेटस हो जाएगा एन ओ आर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो आंसर में भी देखेंगे क्या कहता है द स्टेटस ऑफ वाई एच यू एफ इज रेजिडेंट इट्स कंट्रोल मैनेजमेंट इन इंडिया हैंड्स टर्म्स प्रोफेशनल इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ वाई करता हु विजिट इंडिया हंड्रेड डेज वो सौ दिन के लिए इंडिया आता है एवरी ईयर सिंस एच यू एफ बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एच यू एफ मे बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन सिक्स सिक्स बी क्या अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता ही हैज़ बिन रेजिडेंट इन इंडिया अगर दस साल होता और ये होता बट वाई पर्सन इंडियन ऑरिजन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन सिक्स सिक्स बी का दे आर फॉर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दिया गया क्लियर है पॉइंट नंबर थर्ड इंडिविजुअल का है पॉइंट नंबर थर्ड इंडिविजुअल का है कहता है मिस्टर ए इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश हेज मेटरनल ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ ढाका तो इंडियन ओरिजिन हो गया इसके ग्रैंड मदर जो थे अनडिवाइडेड क्योंकि बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था पहले उन्नीस से ही काम्स इंडिया फर्स्ट टाइम सिंस और पहली बार इंडिया में आया है ये अक्टूबर में 200 दिन के लिए मज़े की बात देखिए ये अक्टूबर 2020 में 200 दिन के लिए आता है पहली बार तो अक्टूबर 2000 को कितनी तारीख को आता है चार अक्टूबर को चार दस दो अक्टूबर के बाद नवंबर में इंडिया में रहा दिसंबर में इंडिया में रहा जैन में इंडिया में रहा फेब में इंडिया में रहा 200 दिन के लिए आता है तो आप बताइए अक्टूबर में कितने दिन रुकाइए अगर आप काउंट करेंगे तो अक्टूबर में चार तारीख को आता है तो चार तारीख भी यही काउंट होगा अट्ठाईस और तीन अट्ठाईस दिन नवंबर में तीस दिन दिसंबर में इकत्तीस दिन और जनवरी में कितने दिन जनवरी में इकत्तीस दिन फरवरी में 28 दिन, फरवरी में कितने दिन होंगे यहां पे? 28 दिन। और मार्च में मार्च में 31 दिन 200 दिन के लिए यानी अप्रैल में, और जबकि देखो यहां से यहां तक अगर आप डेज काउंट करते हो तो इसका होता है 179 डेज लेकिन सर क्वेश्चन में तो 200 दिन कहता है तो भाई अप्रैल में रहा ना मे में रहा ना तो वो तो अगले महीने की बात हो गई अगले साल की बात हो गई उसमें थोड़ी देखना है हम तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखो क्या मिला हमें कि 179 डेज कंप्लीट करा इंडियन ओरिजिन होता तो 182 करता इसलिए ये क्या हो गया नॉन रेजिडेंट बताइए कोई डाउट क्लियर ठीक है फटाफट से नोट करिए